तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक एम्प्टी टिफिन बॉक्स। यहाँ पे इस टिफिन बॉक्स के बीचों बीच मैं ये छोटा सा प्लास्टिक का पाइप लगाने वाला हूँ जो कि ब्लैक कलर का है। ये इलेक्ट्रिक पाइप होता है दोस्तों। तो हम बॉक्स के बीचों बीच शोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे एक होल कर लेंगे। ये मैंने होल कर लिया है और इसके बीचों बीच यहाँ पे मैं ये ब्लैक पाइप को फिक्स करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है दोस्तों पीवीसी पाइप। ये मोटा वाला आधा इंच का पीवीसी पाइप है जो कि हमारे इस ब्लैक वाले पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। मैं यहाँ इसे हॉट ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर लूँगा एकदम अच्छे से। मैं यहाँ पे छोटे पाइप को सिक्योर कर रहा हूँ, बड़े पाइप को नहीं, क्योंकि हमें ये बड़ा पाइप जो है बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है जिसमें छोटा वाला पाइप जो है डब्बे के ढक्कन पे फिट रहेगा और जो बड़ा वाला पाइप है उसे हम बार बार निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आगे मैं लेने वाला हूँ दो वायर। एक है नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर जो कि हमें वायरिंग के लिए काम आएगी, और एक है नाइक्रोम वायर जो कि हीट होती है। यहाँ पर मैंने लिया है एक वायर कनेक्टर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस वायर कनेक्टर में हम ये नाइक्रोम वायर को लगाने वाले कुछ इस तरीके से। अब नाइक्रोम वायर की मैंने छोटी सी एक कॉइल बना लिया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस कॉइल को हम लगा देंगे इस कनेक्टर के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इस कनेक्टर के जो स्क्रू है हम इसे टाइट कर लेंगे अच्छे से ताकि ये वायर है इसमें से बाहर ना आ पाए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हो। और इसमें पीछे की तरफ से हम इलेक्ट्रिक वायर जोड़ लेंगे। अब इलेक्ट्रिक वायर को भी सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे स्क्रू की मदद से टाइट कर ले रहा हूँ। जैसे ही ये टाइट हो जाते हैं ये जो इलेक्ट्रिक वायर है इसे हम अपने पाइप में लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा ये जो कंपोनेंट है ये बन के रेडी है। ये जो हमारा पीवीसी पाइप है इसमें हम यहाँ पर दो होल करने वाले हैं। एक होल में हमारा जो कनेक्टर है उसका स्क्रू बैठेगा और जो दूसरा होल है उसमें से वायर हम पाइप के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं शोल्डरिंग आयरन की मदद से दो होल कर ले रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटा सा स्क्रू लेकर इसके अंदर लगा दूंगा और स्क्रू की मदद से डायरेक्टली इस कनेक्टर को मैं पीवीसी पाइप के ऊपर फिट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। अब ये फिट हो जाएगा दोस्तों तो हमारा आधा पार्ट जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है जीएसटी कनेक्टर। ये मेल फीमेल दोनों कनेक्टर है जैसा कि आप देख सकते हो। तो जो मेल कनेक्टर है उसे हम इस वायर के ऊपर कुछ इस तरीके से जोड़ लेंगे। सिंपल वायरिंग है दोस्तों रेड एंड ब्लैक की। तो इस तरीके से जुड़ चुका है और ये फिर पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पाइप अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा इतना पार्ट रेडी है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों वायरिंग पार्ट पे। वायरिंग में हमें सबसे पहले चाहिए 1738 आयर रिसीवर, कुछ इस तरीके का शो होगा आपको। हम यहाँ पर लेंगे BD140 ट्रांजिस्टर जो कि एक ट्रांजिस्टर है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप में मिल जाएंगे। और हम लेंगे यहाँ पे 470 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट कैपेसिटर, और हम लेंगे एक 5 वोल्ट का रिले कुछ इस तरीके से 5 पिनों वाला, और हम लेंगे 3mm की एक छोटी सी LED। अब जो सर्किट डायग्राम है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वीडियो में मेरे साथ देख कर भी इसे बना सकते हो। कुछ इस तरीके से मैंने ट्रांजिस्टर लिया और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से मैंने जो अपना आयर रिसीवर है उसे रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की पोजीशन देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे शोल्डर किया है। अब जो बीच वाला पॉइंट है उसमें मैं LED का नेगेटिव और पीछे पॉजिटिव पॉइंट जोड़ दूंगा आउटपुट पे। ये आ गया हमारा इनपुट वायर, ये आ गया हमारा ब्लैक टर्मिनल, और ये पीछे ट्रांजिस्टर के लेग पे आ गया हमारा आउटपुट वायर। तो अब तीन वायर जो निकल चुके हैं इसमें से जो इनपुट वायर है जो करंट सप्लाई देगा इस पूरे कंपोनेंट को, उसको हम रिले में ज्वाइंट करेंगे, और रिले में उसके साथ एक और वायर ज्वाइंट करेंगे जो कि पावर सप्लाई देगा। आउटपुट वायर को हम रिले के राइट हैंड साइड में ज्वाइंट करेंगे, और जो नेगेटिव वायर है उसके साथ और एक नेगेटिव वायर अटैच करेंगे, और उसे हम और एक GST जो कनेक्टर था उसके नेगेटिव वायर के साथ लेकर जोड़ लेंगे डायरेक्टली रिले के लेफ्ट साइड में। इसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ पॉइंट रहेगा GST कनेक्टर का रेड कलर का, तो इसे हम डायरेक्टली शोल्डर कर लेंगे रिले के फर्स्ट पॉइंट पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरे राइट हैंड में है वो वायर्स इनपुट करंट के हैं, ये जो वायर है उसमें हमारा जो कॉइल और जो हमारा पाइप है उसकी वायर लगेगी। और दोस्तों बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रहा है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिवाली के टाइम पे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट जो है पूरी तरह बन के रेडी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको वायरिंग देखने को मिलेगी, और फिलहाल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको इसमें एक सेल कनेक्टर जो कि होता है लिथियम आयन बैटरी वो लगा कर बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से रिमोट का बटन प्रेस करने पर हमारा कंपोनेंट वर्क करेगा,
और हमारा जो ये कॉइल है वो हीट होगा। अब इस हीट की मदद से ही हम जो हमारा रॉकेट है उसकी जो बाती होती है उसे जलाएंगे, तो आगे प्रोसेस में आपको समझ जाएगा। मैंने डायरेक्टली इसे दोस्तों हमारा जो टिफिन बॉक्स है उसमें फिट कर लिया है। इसमें मैंने एक स्विच भी अटैच किया है ताकि इनकेस अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो हम डायरेक्टली स्विच प्रेस करके पूरा सिस्टम जो है बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आयर रिसीवर और ये सारी चीज़ें थी वो मैंने टिफिन बॉक्स के जो ढक्कन है उसके सबसे ऊपर साइड में लगाया ताकि उसका कनेक्शन प्रॉपर हो। ये वाला हमारा इनपुट है और ये वाला हमारा आउटपुट वायर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने यूज़ किया है लिथियम आयन बैटरीज, जो कि मेरे पास एक छोटा सा पावर बैंक था जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने उसे डायरेक्टली यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ मैंने एक JST मेल कनेक्टर यूज़ किया। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो लगा दिए हैं और यहाँ पर ऊपर का आप देख सकते हो पार्ट। यहाँ पर मैं जैसे ही बटन प्रेस करूँगा आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो कॉइल है वो हीट हो रही है। तो हमारा सिस्टम जो है एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके अंदर सिर्फ हमें रॉकेट रखना है और उसके बाद जो हमारा लॉन्चर है रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह प्रॉपरली वर्क करेगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो अंधेरे में भी आपको शो हो रहा होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो प्रॉपरली हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आउटडोर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं जो कनेक्टर है उसके अंदर दोस्तों रॉकेट को फिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। चार बटन ऑन किया और ये हमारा रिमोट, और मैं थोड़ा दूरी पे जाके अगर रिमोट का कोई भी एक बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए LED ग्लो कर रही है, हमारा एलिमेंट गर्म हो चुका है और ये गया दोस्तों रॉकेट। पीछा पीछा दोस्तों देखिए काफ़ी प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं दोस्तों ये जो कंपोनेंट और ये जो सिस्टम है और ये जो टॉय है हर किसी को रिकमेंड करूँगा, आप इसे बना सकते हो लेकिन सेफ्टी से बनाइए, क्योंकि देखिए दोस्तों रॉकेट जो होता है वो लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, रिस्क होता है। तो दूर से आप इसे यूज़ करके प्रॉपरली अपना जो रॉकेट है उसे लॉन्च कर सकते हो और आपको कोई हार्म भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कम से कम 4 से 5 रॉकेट जो है प्रॉपरली यहाँ पे इससे लॉन्च कर लिया, तो भी इसकी ना ही बैटरी उतरी है ना ही इसका एलिमेंट ख़राब हुआ है, तो ये प्रॉपरली सिस्टम पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हो।